نادى محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تعالى في شأن حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله لائق سر احترام زیورکار قابل قدر برادران اسلام عزت ماں خواتین اسلام آج کی یہ محفل اور یہ بابرکت پروگرام شادی خانہ آبادی کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی اس محفل پاک کی برکت سے ہونے والی اس شادی کو خانہ آبادی اور خیر و برکت کا ذریعہ بنائیں آمین اور سیدہ کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چادر کے صدقے میں اللہ تعالی ہماری ماں بہنوں کی عزت و آبرو عصمت کی حفاظت فرمائے آمین ماشاءاللہ تو آئیے گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ذوق و شوق کے ساتھ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑی بیداری اور تھوڑی زندہ دلی کا ثبوت دیں اور اس طرح سنیں کہ پڑھنے والے کو بھی احساس ہو کہ مجھے کوئی سن رہا ہے ویسے یقیناً ہم جن کی نعت پڑھ رہے ہیں وہ آقا مدینے میں ہم گنہگاروں پر نظر کرم فرمائے ہوئے ہیں پھر بھی ایک ظاہری حوصلہ افزائی اور آپ لوگوں کا ساتھ بہت ضروری ہے آئی مل کر پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کے پڑھیں صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک سبحان اللہ ان کی مہک ہے دل کے ان کی مہک ہے دل کے غنچے کھلاتی ہیں ان کی مہک ہے دل کے ان کی مہک ہے دل کے قطرہ کسی نے باغا میں
अल्लाह तबारक व तआला सबको प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सनाखानी करने की और हुजूर की तारीफ और सना में जिंदगी बसर करने की सआदत नसीब फरमाए। दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह, सलातुन व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आज की इस बाबरकत महफिल के लिए जिस गुफ्तगू और जिस उनवान को लेकर हाजिर खिदमत हुआ हूँ, थोड़ी तवज्जो और थोड़े ध्यान से सुनने वाला वो उनवान है। आज की इस पुरफितन दौर में, जिस दौर में हम और आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इस दौर में बड़ा आलमिया ये है कि मुसलमान अपनी ज़िंदगी में बचपन से लेकर जवानी और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मौका चाहे खुशी का हो, चाहे गमी का हो, चाहे मामला इबादत और बंदगी का हो, चाहे मुआशरत और तिजारत का हो, आपसी लेन देन और तोहफे और गिफ्ट का मामला हो, या अल्लाह ताला की राह में सदका खैरात करने की बात हो, इस दौर का सबसे बड़ा आलमिया ये है कि मुसलमान इन तमाम ज़िंदगी के मामलात में, शादी खुशी और गमी के तमाम लम्हात में
मुसलमान दीन इस्लाम के पाकीज़ा कानून से आज़ादी चाहता है, मुसलमान अल्लाह रसूल के पाकीज़ा फरमान से रूगर्दानी और मुंह फेरना चाहता है, मुसलमान अपने बचपन से लेकर जवानी और ज़िंदगी से लेकर बंदगी और बुढ़ापे से लेकर कब्र और उसके बाद दुनिया की ज़िंदगी के जितने मराहिल हैं उन तमाम मराहिल में मुसलमान अपनी ज़िंदगी को यूरोपी तहजीब का, यूरोपी सकाफत का और यूरोपियन कंट्रीज़ के देख और उनकी देख रेख करके उनकी देखा देखी अपनी ज़िंदगी को उनके तर्ज अमल में ढालने के लिए कोशा और सरगर्दा नज़र आता है, हैरान और परेशान नज़र आता है। बात यह है कि हम मुसलमान कहलाने वाले, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले, अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की गवाही देने वाले, सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शहनशाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ग़ुलामी का दावा करने वाले, इस्लाम जैसे पाकीज़ा मजहब, पाकीज़ा कानून और पाकीज़ा दीन के पैरोकार कहलाने वाले, इस्लाम को अपना दीन और अपना मजहब समझने वाले, सरकारे गौसे आज़म पीरान पीर दस्तगीर का मुरीद और ख्वाजा गरीब नवाज का ग़ुलाम और आला हजरत का मुकल्लिद और उनका आशिक और ग़ुलाम कहलाने वाले मुसलमान आज अपनी ज़िंदगी के हर लम्हे को फैशनेबल बनाना चाहता है, हर ज़िंदगी के लम्हे को इस्लाम से आज़ाद कराना चाहता है। इसलिए चूँकि आज की महफिल शादी की महफिल है, बात शादी के हवाले से करूँगा। शादी की महफिल, आप शादी के पूरे माहौल देखें, मंगनी से लेकर के मेहंदी तक, मेहंदी से लेकर के शादी तक, शादी से लेकर निकाह तक, निकाह से लेकर वलीमे तक, वलीमे से लेकर रुखसती तक, इन तमाम मराहिल में स्टेप बाय स्टेप आप चलते चले तो आज हमारे दौर के इन तमाम शादी के लम्हात और मराहिल में जो कुछ होता है वो किसी इंसान की निगाहों से छुपा हुआ नहीं है, वो किसी की निगाहों से ढका हुआ नहीं है। सबसे पहले अगर हम बात करें इंतखाब और मेयार की, हम बात करें दूल्हा और दुल्हन की पसंद की, जोड़े के सिलेक्ट की बात करें तो दूल्हा भी ये सपने देखता है और दुल्हन भी ये ख्वाब देखती है। दूल्हा ये सोचता है कि मेरी बनने वाली दुल्हन का रंग रूप कैसा होगा, उसकी अदा कैसी होगी, उसके नाज नखरे कैसे होंगे, उसकी माली पोजिशन कैसी होगी, उसका रवैया कैसा होगा, वो किस अदाकारा का तर्ज अमल अपनाने वाली है, वो कौन सी सीरियल को शौक से देखने वाली है, वो कौन सी सीरियल की हाफिजा है, वो कौन सी पिक्चर को बड़े शौक से देखने वाली है, वो कितने क्रीम और कितने पाउडर के नाम जानती है, वो कितने शैम्पू और कितने शॉपिंग का शौक रखने वाली है। दूल्हा ये सपने देखता है कि मेरी आने वाली दुल्हन रंग रूप में कैसी है, हुस्न और जमाल में कैसी है, ज़ेब और सीरत में कैसी है। उधर दुल्हन भी ये ख्वाब देखती है कि मेरा किसके साथ रिश्ता होने वाला है, वो दूल्हा किस लेवल का है, उसका मेयार क्या है, उसकी जिंदगी का तर्ज क्या है, उसके रात और दिन के मामूलात क्या है। वो कहीं अल्लाह रसूल का खौफ रखने वाला, नमाज का पाबंद तो नहीं है कि मुझे भी नमाज पढ़ने की दावत दे, कहीं वो कुरान का शौक रखने वाला, कुरान का कारी तो नहीं है कि मुझे भी कुरान पढ़ने पे मजबूर कर दे, कहीं वो खुदा से डरने वाला, गुनाहों से बचने वाला नहीं है कि मुझे बाजार में बेपर्दा घूमने पर पाबंदी लगा दे, कहीं वो अल्लाह रसूल का खौफ रखने वाला बहाया माशरे का नौजवान तो नहीं है कि मेरे को घर की चार दीवारी में इज्जत के साथ बिठा के रखे। दुल्हन सोचती है कि मेरा बनने वाला दूल्हा अब मुकेश अंबानी और जनाब आज भारत की बड़ी बड़ी पार्टीज की तरह माली एतबार से इतनी आला पोजीशन रखने वाला हो कि हर रोज मुझे नया जोड़ा दिला सके, हर रोज मुझे नई चप्पल दिला सके, हर रोज मुझे नए शॉपिंग का तवा करा सके, हर रोज मुझे जिंदगी में नए शौक पूरे करा सके। इधर दुल्हन ये ख्वाब देखती है, इधर लड़का ये सोच सोच करके पागल होता है। फिर ऐसे सोच के और ऐसे फिक्र रखने वाले नौजवान शादी का वेट करते करते, क्योंकि उनकी पसंद का जोड़ा नहीं मिलता, उनकी सोच का जोड़ा नहीं मिलता, उनकी ख्वाहिश और उनकी चॉइस का जो रिश्ता नहीं मिलता, तो शादी की उम्र गुजर जाती है। आपने देखा होगा और हमने भी देखा है, दुनिया की रिसर्च बताती है, दुनिया के माहिर और अकलमंद बताते हैं कि आज दुनिया में इतनी आबादी की कसरत और दुनिया में इतने लड़के और लड़कियां जो शादी की उम्र से पार कर चुके हैं लेकिन अभी तक बेरिश्ता है, अभी तक बेघर है, अभी तक बेजोड़ है, वो अकेले जिंदगी गुजारने की जो है अकेले जिंदगी गुजारने पर मजबूर है, इसलिए कि उन्होंने अपने इंतखाब का मेयार वो चुना जो मेयार इस्लाम का अता करता मेयार नहीं है, जो इस जो मेयार रसूलुल्लाह का अता करता मेयार नहीं है, जो मेयार सालहीन और सिद्दीकीन
का तर्ज अमल नहीं है, और फिर उसके बावजूद अगर फिर ऐसी पसंद का जोड़ा मिल जाता है, ऐसे आज़ाद ख्याल जवान को, ऐसी आज़ाद ख्याल बीवी मिल जाती है, ऐसे फैशनेबल जवान को ऐसी फैशनेबल बीवी मिल जाती है, तो ऐसे जोड़े में न खैर बरकत का नुज़ूल देखा जाता है, न उस पर रहमत का नुज़ूल देखा जाता है, न उस घर में अमन सुकून का माहौल देखा जाता है। शादी के बाद जा तो बहुत जल्दी तलाक तक नौबत पहुंचती है और घर टूट जाता है, या फिर खाना बर्बादी और खाना बर्बाद कर देती है, या फिर उसके बावजूद अगर जोड़ा सलामत भी रहे और एक मुद्दत तक चलने वाला भी अगर जोड़ा टिक भी जाए, तो देखा जाता है कि दूल्हा भी दोपहर को 12-12 बजे तक सोया है गफलत की नींद में चादर तान कर, और बीवी भी 10 बजे तक सोई हुई है। न फजर का आता पता, न जहर का ठिकाना, न मगरिब की फिक्र, न ईशा का पता। ऐसे होशरबा माहौल में, ऐसे पुरफितन माहौल में, ऐसे अल्लाह रसूल से रूगर्दानी करने वाले माहौल में, ऐसे खुदा न तरसी के माहौल में उस शादी को खाला आबादी का नाम नहीं दिया जाएगा, उस शादी को खाला आबादी का नाम नहीं दिया जाएगा, उस शादी को खैर बरकत के नुजूल का बायस नहीं कहा जाएगा। इसलिए कि अल्लाह रसूल ने मुसलमानों को जो शादी का मेयार अता फरमाया है, उसके मुताबिक जब तक हमारे मुसलमानों के लड़के और लड़की का किरदार और अमल खरा नहीं उतरता, जब तक वो शादी खाना आबादी नहीं करार पाती, अब वो जोड़ा बन जाता है, लड़की फ्री है, लड़का फ्री है, दुल्हन सोचती है कि मेरा नौजवान मुझे ऑनलाइन खाने मंगा देगा, मुझे रोज रोज होटल से खाने मंगा देगा, वो खाने पकाने से आज़ाद हो जाती है, कपड़े मशीन से धुले जाते हैं, कपड़े धोने से आज़ाद हो जाती है, खाना होटल से ऑनलाइन होम डिलीवरी का जो है ये सर्विस शुरू हो चुकी है, अब वो दूल्हा और दुल्हन ऐसी फ्री माइंड की जिंदगी गुजारते हैं। लेकिन मेरी माँ बहनी भी सुने, और यहाँ बैठे नौजवान भी सुने, लड़की और लड़के के बाप भी सुने, पुराने जमाने की औरतें दिल भर मेहनत और मशक्कत से काम करती थी, 10-10, 12-12 बच्चों को जन्म भी देती थी, लेकिन 70-80 साल तक ऐसी तंदुरुस्ती के साथ जिंदगी गुजारती थी कि पूरी उम्र में एक बार भी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ना आती। लेकिन ये फ्री रात दिन बिस्तर पे पड़ी पड़ी खाने वाली और बिस्तर पे पड़ा पड़ा खाने वाला नौजवान, न बच्चा पैदा करने की फिक्र है, गोलियां खा करके फैमिली प्लानिंग के जरिए से, नसबंदी के जरिए से विलादत के सिलसिले को खत्म कर दिया जाता है, बच्चों के पैदाइश को रोक लिया जाता है, खाना पका पकाया मिलता है, कपड़े धुले धुलाए मिलते हैं, सारा काम नौकरानी और मासियों के जरिए कराया जाता है। फिर लेकिन उसके बावजूद भी आप देखेंगे 30 साल की जवान, 35 साल की जवान औरतें और 30 साल का जवान लड़का, कोई शुगर का शिकार है, कोई ब्लड प्रेशर का शिकार है, कोई जनाब डायबिटीज का शिकार है, कोई किस मर्ज में मुब्तला है, और कोई तो है खूनी, अल्लाह बचाए हम सब की हिफाजत करे कि जनाब कैंसर का शिकार है। मुझे बताएं कि ये आफतें क्यों आई हैं, ये आफतें इसलिए आई हैं कि डॉक्टर इकबाल ने कहा था तरीके मुस्तफा को छोड़ना वजह बर्बादी दुनिया में हुई है, इसी वजह से कौम बेइख्तियार अपनी, अगर तुमने मुस्तफा के तरीके को छोड़ा होगा तो तुम चाहे लाख जिंदगी ऐशो आराम की गुजार लो, कसम खुदा की जिंदगी में चैन ना आएगा, सुकून ना आएगा, सुकून तब आएगा जब आपका जोड़ा मुस्तफा की सुन्नत के मुताबिक होगा, आपकी शादी नबी की सुन्नत के मुताबिक होगी, आपका रिश्ता सुन्नत के मुताबिक होगा। आप कहेंगे वो रिश्ता क्या है, वो रिश्ता यह है कि मेरे आका ने फरमाया औरत से निकाह करते वक्त 4 बातें देखी जाती हैं, अव्वल उसका हुस्न देखा जाता है, दूसरा उसका माल देखा जाता है, तीसरा उसका खानदान देखा जाता है, और चौथा उसका दीन देखा जाता है। लेकिन ऐ मेरे गुलाम, अगर फलाह चाहता है और कामयाबी चाहता है तो तू दीनदार को इख्तियार कर, इसलिए कि दीनदार आएगी खैर बरकत लेके आएगी, दीनदार आएगी अल्लाह की रहमत लेके आएगी, दीनदार आएगी अल्लाह घर में जब अमन सुकून चैन लेकर के आएगी, दीनदार आएगी तकवे का नूर लेकर आएगी, नमाजों की पावन बनकर आएगी, रातों को सहर के वक्त फजर के वक्त उठ करके खुद भी वुजू बनाएगी, मियां को भी जगा के वुजू करवाएगी, फजर की नमाज पढ़ेगी, मुसल्ले पे बैठकर दिन निकलने से पहले वो तेरे घर की जो है बहू आने वाली फजर के वक्त हाथ उठा करके दुआ कर देगी। मैं उम्मीद से कहता हूं जिस घर की बहू फजर में मुसल्ले पे सजदा करके दुआ कर दे, उस घर में मुसीबतें नहीं आती है, रहमतों का नुज़ूल।
نزول ہوتا ہے, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. فجر پڑھنے کے بعد وہ گھر کا کام کرنے والی ظہر کی نماز پڑھتی ہے, ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد وہ عصر کی نماز کا انتظار کرتی ہے, عصر کے بعد مغرب پڑھتی ہے, کھانا پکا رہی ہے, کھانا پکاتے پکاتے عشاء کا وقت ہو گیا, عشاء پڑھ کے کھانا کھاتی ہے, کھانے سے پہلے بھی وضو کر رہی ہے, کھانے کے بعد بھی وضو کر رہی ہے, کھانے سے پہلے بھی نماز پڑھ رہی ہے, کھانے کے بعد بھی نماز پڑھ رہی ہے, سونے سے پہلے بھی نماز پڑھ رہی ہے, سو کر اٹھنے کے بعد بھی نماز پڑھ رہی ہے. جہاں رات و دن ایسا پاکیزہ ماحول ہوگا, اور جس گھر میں ہماری ماں بہنیں اور گھر کا فرد اتنا نماز کا پابند ہوگا, اتنا متقی و پرہیزگار ہوگا, اس گھر میں جادو جلات نہیں ہوگا, اس گھر میں سحر و آسیب نہیں ہوگا, اس گھر میں مشقتیں بیماریاں نہیں ہوگی, اس گھر میں جھگڑے اور لڑائی نہیں ہوگی, اس گھر میں خدا کی رحمتوں کا نزول ہوگا, خیر و برکت کا نزول ہوگا, اس گھر میں پیدا ہونے والا بچہ آوارہ نہیں ہوگا بلکہ زمانے کا امام ہوگا, کوئی تو غوث اعظم بنے گا, کوئی غریب نواز بنے گا, کوئی احمد رضا خان فاضل بریلوی بنے گا. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا رسول اللہ, فاطمہ. بات جب چلی ہے شادی کے انتخاب کی, تو آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ اگر عورت دیندار ہو تو پھر کیا کیا دنیا میں آبادیاں ہوتی ہیں. حضرت ابراہیم, حضرت بی بی ہاجرہ کا آپ نے بڑا مشہور واقعہ ہے سماعت فرمایا ہوگا. حضرت بی بی ہاجرہ نے اپنے شوہر کی اطاعت میں کیا کچھ برداشت نہیں کیا. حضرت اسماعیل اکلوتے فرزند کے ساتھ مکے کی اس بے آب و گیا وادی میں جانا آبادی تھی, نہ بستی تھی, نہ وہاں پہ پانی تھا, نہ کھانے کی کوئی دکان اور نہ کوئی کھانے کا سامان تھا. حضرت ابراہیم نے کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا دیا اور کہا خدا کے حوالے کر کے جاتا ہوں. بی بی نے صبر کیا. حضرت اسماعیل شیر خوار ہے, دودھ پینے کی عمر ہے, ایڑیاں رگڑتے ہیں پیاس سے, ماں کا دل ہے کہ تھمنے کو نام نہیں لیتا, کبھی دوڑ کے صفا پہ جاتی ہے, کبھی دوڑ کے مروا پہ جاتی ہے, سات چکر پورے کر لیتی ہے. واپس آئی تو کیا دیکھا, اسماعیل نے ایڑیاں رگڑی اور حضرت جبرائیل امین کی ٹھوکر سے زمزم کا چشمہ ابل آیا. پانی دیکھ کر کے ایک قبیلہ وہاں پہ آیا, وہ قبیلہ وہاں بس گیا اور مکے کا شہر آباد ہوا. اگر کوئی پوچھے کہ مکے کی بستی آبادی کیسے بڑی, آپ کہیں گے ایک باوفا بیوی نے اپنے شوہر کا حکم مان کر کے, شوہر کے حکم کی تعمیل کر کے, اس کے آرڈر پہ صبر کیا اور مکے میں کعبے کی زمین پر بیٹھ کر کے خدا کا شکر ادا کیا. تو ایک باوفا اور باحیا اور شوہر کا حکم ماننے والی بیوی جب دنیا میں قدم رکھ دیتی ہے, اللہ اس کے قدم کی برکت سے مکے جیسے مقدس شہر کو آباد کر دیتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. آپ کہتے شادی خانہ آبادی, خانہ آبادی نہیں ہے. اگر بیوی نیک ہو تو شادی خانہ نہیں بلکہ شہر آباد کر دیتی ہے, بستی آباد کر دیتی ہے, گاؤں آباد کر دیتی ہے, اور شادی خانہ بربادی بھی نہیں ہوتی. اگر شادی میں بننے والا دولہا اور بننے والی دلہن دونوں آوارہ ہو اور اللہ رسول کے خوف سے خالی اور آ رہی ہو, تو پھر وہ شادی بھی خانہ بربادی نہیں بلکہ بستی بربادی بن جاتی ہے, وہ گاؤں بربادی بن جاتی ہے, وہ ملک بربادی بن جاتی ہے. اس لیے میرے نوجوان اور میرے بزرگوں اور میری ماں بہنوں, میں آج کی اس پاکیزہ محفل کے ذریعے سے آپ تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب بھی رشتے کا انتخاب کیا جائے تو ہمارے رسول کی تعلیمات کو نمبر ون پہ رکھ کر کے دیکھا جائے کہ ہونے والا دولہا مالدار ہے یا نہیں بات کی بات, حسین و جمیل اور خوبصورت ہے یا نہیں بات کی بات, حسب و نسب اور خاندان کا اچھا یا نہیں بات کی بات, سب سے پہلے یہ ہے کہ وہ دیندار ہے کہ نہیں ہے. اس لیے میرے آقا نے فرمایا دیندار اگر تمہیں دین نکاح کا پیغام دے, اس کے اخلاق بھی اچھے ہوں, اس کا دین بھی اچھا ہو تو رشتہ کر دو, اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو زمین میں بڑا فساد پھیلے گا اور فتنہ پھیل جائے گا. آپ بھی دیکھیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں, ہم نے جب اس کو ترک کر دیا, اس روش کو چھوڑ دیا, نتیجے کیا نکلا, زنا کی بیماری عام ہو گئی, ناجائز تعلقات بڑھ گئے اور آوارہ بچے, لاوارث بچوں کی پیدائش کا سلسلہ بڑھ گیا. کبھی آپ نے کوڑے کرکٹ کے ڈھیر پہ, کبھی جو ہے ڈسٹ بین کے اندر, کبھی دوا خانوں کی اور ہاسپٹلوں کی میز پر آپ نے ان لاوارث اور ناجائز بچوں کو جنم لیتے دیکھا. یہ اس لیے ہے کہ نکاح جیسی عظیم عبادت کو ہم نے چھوڑ کر کے, نکاح جیسی عظیم عبادت کو ہم نے مشکل بنا کر
करके इन सारे फितने के दरवाजों को खोला है। इसलिए आओ बंद करो और निकाह को आसान करो। आओ बुजुर्गाने दीन की जिंदगी आपके सामने रखता हूँ कि निकाह किस तरह आसान होते थे। हजरत सईद बिन मुसय्यब मशहूर जमाना ताबई हैं और जलील कदर मुहद्दिस गुजरे हैं। सईद बिन मुसय्यब उनका एक शागिर्द था अब्दुल्ला बिन विदा उसका नाम था। वो शागिर्द आपकी दरसगाह में आता था, दीन के मोती हासिल करता और आपका शागिर्द बन करके हदीस का नूर लेता था। एक अरसा गुजर गया, वो कुछ दिनों के बाद हाजिर हुआ। आपके उस्ताद गिरामी हजरत सईद बिन मुसय्यब ने पूछा, ऐ नौजवान बताओ तू इतने अरसे तक कहाँ था? उसने कहा, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, इसलिए मैं अपनी बीवी के इंतकाल के बाद घर में अकेला बैठा रहा, अकेले अकेले सोचता रहता था, टेंशन होता था और फिक्र करता रहता था। इसलिए मैं अपनी बीवी के इंतकाल के बाद अब कुछ दिनों तक जो है आपके हल्के दरस में और आपकी दरसगाह में क्लास में हाजिर ना हो सका। उस उस्ताद मोहतरम जलील कदर ताबई ने कहा, क्या तूने किसी दूसरी औरत को निकाह का पैगाम दिया जो तेरी जिंदगी का रफीक बन सके, तेरे हयात का साथी बन सके? उसने कहा, नहीं, मेरे से कौन निकाह करेगा, क्योंकि मेरे पास 3 दिरहम से ज्यादा दौलत नहीं है, मैं गरीब जमाना हूं, मुफलिस और कंगाल आदमी हूं। हजरत सईद बिन मुसय्यब ने कहा, आओ मैं तुम्हारे साथ अपनी लख्त जिगर अपनी बेटी का निकाह कर देता हूं। वो सईद बिन मुसय्यब की बेटी जिसके लिए वक्त के खलीफा अब्दुल मलिक बिन मरवान के बेटे ने, जो बादशाही शहजादा था, जो बादशाह का बेटा था, उसने अपने बेटे के लिए हजरत सईद बिन मुसय्यब की बेटी के साथ निकाह का पैगाम भेज दिया था। लेकिन क्योंकि बादशाह का बेटा नेक नहीं था, आपने उस निकाह के रिश्ते को रिजेक्ट कर दिया और आपने अपने शागिर्द जो कि 3 दिरहम का मालिक था, अपनी लख्त जिगर का निकाह उसके साथ कर दिया। वो बंदा हैरान है, वो शागिर्द अब्दुल्ला बिन विदा परेशान है कि हुजूर आपकी बेटी मेरे साथ कैसे रहेगी। वो निकाह करने के बाद अपने घर पे चला गया, रात की तन्हाई है, वो सोच रहा है कि मैं कहाँ और कहाँ मेरे उस्ताद मोहतरम, कहाँ उनकी बेटी और कहाँ मेरा ये टूटा फूटा सा घर, कहाँ वो उनकी लखते जिगर और कहाँ मेरी ये झोपड़ी। ये सोच के हैरान था कि दरवाजे पे दस्तक आई। मैंने पूछा, कौन? तो कहा, सईद। मैंने अपने जितने मिलने वाले थे सारे सईद के नाम सोचे, लेकिन चूंकि हजरत सईद बिन मुसय्यब 40 साल गुजर गए उनकी जिंदगी को, वो सिवाय मस्जिद के और किसी के घर पे जाते नहीं थे, मुझे ख्याल नहीं आया कि वो सईद बिन मुसय्यब हो सकते हैं। मैं दरवाजा को खोला तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि मेरे दरवाजे पे आने वाला कोई और नहीं था, वो सईद बिन मुसय्यब थे। मैं कांप गया, मैंने कहा, हुजूर मुझे खुद तलब फरमा लेते, आपने क्यों तकलीफ उठाई? फरमाने लगे कि बेटा, मैंने सोचा कि तू अकेला है, तेरी पहली बीवी इंतकाल कर चुकी है, तू अकेला जिंदगी गुजार रहा होगा, मैं सोचा कि मैं तेरे घर पे आ जाऊं और अपनी आज जो लखते जिगर करने का तेरे साथ किया है उसको अपने साथ लाया हूं। पीछे देखा तो उनकी बेटी खड़ी थी, मेरे हुजरे में दाखिल कर दिया। आप मुझे बताएं, हजरत सईद बिन मुसय्यब ने अपने शागिर्द के साथ जो अपनी बेटी का निकाह किया, आपने क्या मेयार बनाया, क्वालिटी क्या देखी आपने, क्या मालदारी को देखा, क्या हुस्न को देखा, क्या खूबसूरती को देखा? अगर माल देखते तो खलीफे के बेटे के साथ करते, हुस्न देखते तो बादशाह के बेटे के साथ करते, लेकिन नहीं नहीं, आपने बता दिया, अगर अपनी बेटी का नसीब अच्छा करना चाहते हो और बेटी का घर बनाना चाहते हो तो उसके निकाह में दो जो खुदा से डरने वाला हो और मोहम्मद से प्यार करने वाला हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। कैसी प्यारी सोच थी हमारे बुजुर्गों की। और वाकई उनकी शादियां होती थी, उसको शादी खाना आबादी कहें, शादियां तो वो होती थी कि जब शादियां हो जाती थी तो पूरे गांव में उसकी शादी की बरकतें जाहिर होती थी, शादी हो जाती थी तो शादी के फैज से आज भी दुनिया फैज पा रही है। सरकार गौसे आजम के वालिद अबू साले मूसा जंगी दोस्त ऐसा बहया नौजवान और उनकी माँ हजरत आवतुल जब्बार सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा, जब ऐसी पाकीजा जोड़ों की सादगी के साथ शादी होती है तो दुनिया को शेख अब्दुल कादिर जीलानी मुहियुद्दीन बगदादी जैसे अजीम सपूत के रूप में फैज का दरिया मिल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शादियाँ उनकी होती थी और जितनी शादी में जितनी सादगी होगी
बाद की जिंदगी उतनी ही ज्यादा खुशहाली से गुजरेगी, और शादी में जितना ज्यादा टिप टॉप होगा, जितनी ज्यादा शादी में फजूल खर्ची होगी, बाद की जिंदगी जहन्नम बन के रह जाएगी। इसलिए कि लोग ताने देंगे और ताने पे ताना सुन के लड़की और लड़के का बाप और जो कर्जा लिया है उस कर्जे को अदा करते करते बेचारे दम तोड़ जाएंगे, कभी जिंदगी भर सर उठा के जी न सकेंगे। इसलिए आओ, अगर आपने शादी को खाना आबादी बनाना है तो दुनिया में वाहिद ही तरीका है जिसको तरीके मुहम्मदी कहते हैं, तरीके मुस्तफा कहते हैं, उसी पे अमल करो, इंशाल्लाह आपकी शादियां भी सादगी के साथ होंगी और खाना आबादी भी हो जाएंगी। इंतखाब की बात चली है, मैंने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें यही हुक्म दिया, उसके रसूल ने भी यही फरमाया, फरमाया कि आप शादी के इंतखाब में पहले दीन को देखें, दीनदारी को देखें। अल्लाह पाक ने साफ साफ फरमाया वला तलकहुल मुशरिकात हत्ता युमिन्ना वलअमतुम मुमिनतुन खैरुम मिन मुशरिकतिन वलो अअजबतकुम। ऐ ईमान वालो, किसी मुशरिका से शादी मत करो, चाहे वो करोड़ों की मालिक हो, चाहे वो लाखों अरबों की मालिक हो, किसी मुशरिका से निकाह मत करो। आप कहेंगे क्यों? अल्लाह पाक फरमाता है वाला आमतुल मुअमिनतुल खैरुम मिन मुशरिकतिन। एक काली कलोटी, एक मुसलमान मोमिना बांदी अगर कनीज भी है, लेकिन अगर वो ईमान वाली है तो खुदा की बारगाह में वो एक कनीज जो ईमान वाली है वो उस मुशरिका से कई दर्जे बढ़ करके इज्जत वाली है। अल्लाह सुभान अल्लाह। और आगे सुन वला तुलकुल मुशरिकीना हत्ता युमिनु। और सिर्फ तुम खुद नहीं बल्कि अपने घर की औरतों का, अपनी बहनों का, अपने बेटियों का मुशरिक मर्दों के साथ निकाह मत करो, हत्ता युमिनु, यहाँ तक कि ईमान ले आए। इसलिए कि वाला अब्दुम मुमिनुन खैरुम मुशरिकिन वलो अअजबकुम। इसलिए कि बंदे मोमिन अगर वो गुलाम है, सियाफाम है, लेकिन वो है ईमान वाला और है वो रसूलुल्लाह की मोहब्बत का दम भरने वाला, तो वो गुलाम अल्लाह की बारगाह में हजारों मुशरिकों से बढ़ कर के इज्जत वाला है। अगर जब तुम्हें वो सब चीज़ें पसंद हो, तुम माल के देखने वाले हो, तुम ज़ाहिरी ज़ेब व ज़ीनत के देखने वाले हो, तुम ज़ाहिरी हुस्न व कमाल पे नज़र रखने वाले हो, लेकिन खुदा के यहाँ इन सब चीज़ों की कदर नहीं है। खुदा के यहाँ कदर है तो ईमान वाले की कदर है, खुदा के यहाँ कदर है तो इस्लाम वाले की कदर है। इसलिए हमारे बुज़ुर्गों की तारीख उठाकर देखें, हज़रत सैयदना फारूक आज़म ने अपनी लख्त जिगर का निकाह हुज़ूर के निकाह में देने से पहले हज़रत सलमान फारसी को पेश किया। वो सलमान जो फारस के रहने वाले थे, कहा उमर बिन खत्ताब की बेटी और कहा फारस के सलमान, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसा रईस कौम और मालदार सहाबी जिनकी मालदारी के आपने चर्चे सुने होंगे, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ इनकी मालदारी का यह आलम था कि जब इनका विसाल हुआ था तो इनके इंतकाल के बाद इनकी चार बीवियां थी, इनकी चार बीवियों को इनका जो सोना था वो कुल्हाड़ों से और आरों से काट काट करके बीवियों को बांटा गया। ऐसा मालदार साहबी, इतना असीम पाए का साहिब माल साहबी अपनी सगी बहन को हजरत बिलाल हबशी के निकाह में दे देता है। बिलाल हबशी का पोजीशन और आप जानते हैं बिलाल हबशी कौन थे, आप सबको पता है, वो जो मुशरिकीन मक्का के गुलाम थे, सिद्दीक अकबर ने आजाद किया, कहा वो कौम का सरदार, कहा वो मालदार आदमी और कहा गुलाम, लेकिन बता दिया दुनिया वालों को कि अहले मोहब्बत निकाह करते वक्त माल को नहीं देखा करते, अहले मोहब्बत निकाह करते वक्त दिलों के हाल को देखा करते। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इस चक्कर से बाहर निकलिए, इस सोच से बाहर निकलिए, इस इंतखाब के मेयार से, इस क्वालिटी से बाहर आइए और सोच को वसी करके देखिए। और ये सोचिए, ये मत सोचिए कि मेरी बीवी को दुनिया में क्या क्या ऐश व आराम दे सकेगा, ये सोचिए कि मेरी बच्ची की दुनिया और आखिरत को कामयाब करने में कितना मददगार साबित होगा। और लड़का भी ये सोचे कि आने वाली बीवी मेरी दुनिया और आखिरत को अच्छा बनाने में कितनी मददगार साबित होगी। इसलिए कि जिसने सिर्फ दुनिया को सब कुछ समझा, आओ मैं आपको बताऊं, वो फिरौन का महल, वो बादशाह ज़माना, वो खुदाई का दावा करने वाला, वो अना रब्बुकुम अला की सदा लगाने वाला, खुदा के मुकाबले में अपने आप को खुदा कहलाने वाला, वो फिरौन मिस्र जो पूरे जो है मिस्र का बादशाह, और अल्लाह की अता से उसको अल्लाह ने इतना कुछ अता फरमाया था, वो फिरौन की हुकूमत जिसको आपने सुना होगा,
अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में उसका जिक्र फरमाया, फरमाया हमने फिरौन को बड़ा हुक्म दिया, उसको दुनिया के अंदर गलबा दिया, उसे बड़ा पावर दिया। वो फिरौन जिसके सर में जिंदगी पर कभी दर्द ना आया, अल्लाह ने उसको इतना नवाजा कि 400 साल की उम्र पाता है, लेकिन 400 साल की जिंदगी में कभी उसके माथे में दर्द तक न हुआ। ऐसे ऐश आराम की जिंदगी बसर करने वाला, ऐसे महल और ऐसे आला हुकूमत का मालिक है फिरौन। लेकिन उस फिरौन के महल में सैयदा बीबी आसिया जो फिरौन की बीवी है, लेकिन आप मुझे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो हजरत बीबी आसिया जो फिरौन जो बादशाह की बीवी है, क्या कमी थी माल की, क्या कमी थी ऐशो आराम की, क्या कमी थी दुनिया की सज की। लेकिन हजरत बीबी आसिया ने जब देखा कि फिरौन का जो कुछ भी है वो सब सिर्फ दुनिया के लिए है, जो कुछ भी है वो सिर्फ जिंदगी तक है, मरने के बाद ये कुछ काम नहीं आने वाला, हजरत मूसा की दावत सुनती है। हजरत बीबी आसिया हजरत मूसा की दावत पे लब्बे कहते हुए ईमान कबूल कर लेती है। ईमान कबूल कर लेने के बाद न फिक्र थी कि मुझे महल से निकाला जाएगा, न फिक्र थी कि मुझे बादशाह सजा देगा, न फिक्र थी कि सताई जाऊंगी, न फिक्र थी कि ईसा पाऊंगी, बस कह दिया हजरत मूसा के रब पे ईमान लाई। फिरौन ने कहा कि मेरे महल में तू कौन से रब की बात करती है, रब तो मैं हूं। हजरत बीबी आसिया ने कहा मैं मूसा के खुदा पे ईमान लाई। मैं आपको और हमारी मां बहनों को बताना चाहता हूं कि दीन कितना अहम है, दीनदारी कितनी अहम है, दीन पे अमल करना और कायम रहना कितना अहम और जरूरी है। अल्लाह पाक ने हजरत बीबी आसिया को सब्र दिया, हिम्मत दी और उनको आमद का पहाड़ बना दिया। फिरौन ने कहा इसको चौमेखा किया जाए। बीबी आसिया जो जमाने के बादशाह की बीवी है, लेकिन बादशाह के ऑर्डर पे बीबी आसिया को सुलाया जाता है, उनके हाथों और पांव में मेखे ठोक दी जाती है, उनके सीने पे भारी पत्थर रख दिया जाता है। लेकिन बताओ बीबी आसिया को कौन सी ताकत रोक रही थी, कौन मजबूर कर रहा था? फिरौन का कहा मान लेती, इनाम पाती, फिरौन की बात मान लेती, ऐशो आराम पाती, फिरौन का कहा मान लेती, ठाट बाट की जिंदगी पाती। लेकिन बीबी आसिया ने कहा दुनिया में जो सजा देनी है आसिया भुगत लेगी, लेकिन मरने के बाद खुदा के अजाब को आसिया नहीं सह सकती। इसलिए कहा ऐ अल्लाह मुझे फिरौन के जुल्म से बचा ले और दुनिया से उठा ले, अपने पास बुला ले, ताकि मैं फिरौन के महल में नहीं बल्कि तेरी जन्नत के में रहना चाहती हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक ने जिक्र फरमाया कुरान मजीद में 28वें पारे में फरमाया वضرب الله مثلا للذين امنوا امراة فرعون। अल्लाह ने ईमान वालों के लिए बतौर उदाहरण बतौर मिसाल फिरौन की बीवी को बतौर एग्जाम्पल पेश किया है कि ईमान वालों अगर दीन की अहमियत को जानना चाहते हो और ईमान की कदर और कीमत को समझना चाहते हो तो आसिया की जिंदगी को देखो। आसिया ने फिरौन को और उसकी बादशाही को लात मार करके हजरत मूसा पे ईमान लाई है। आओ देखो अल्लाह ने उनकी क्या कदर की है। मेरे आका मुस्तफा करीम ने फरमाया खुदा की जन्नत हजरत बीबी आसिया की मुस्ताक है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फिरौन के महल को छोड़ दिया लेकिन दीन पे साबित कदम रही। इसलिए दीन बहुत जरूरी है। उसके बाद नंबर दो पे चाल चलन देखा जाए, उसका रहन सहन देखा जाए, उसका किरदार देखा जाए। अल्लाह पाक ने साफ साफ फरमाया अज़ानी लयन की हो इल्ला ज़ानियत नौ मुशरिक अतल व ज़ानियत लयन की हो इल्ला ज़ान नौ मुशरिक व हुर्र व ज़ालिका लिल मोमिनीन। एक बदचलन और मुशरिक औरत के साथ मुशरिक और बदकार ही निकाह करेगा और एक बदकार और मुशरिक आदमी के साथ एक मुशरिका और बदचलन ही शादी करेगी। व हुर्र व ज़ालिका लिल मोमिनीन। ईमान वालों पर अल्लाह ने इसको हराम कर दिया है। सुभान अल्लाह। उसके चलन को देखा जाए, उसके चाल चलन और किरदार को देखा जाए। मेरे आका मुस्तफ़ा करीम ने साफ साफ लफ्ज़ों में फरमाया एक मौके पर हुज़ूर के सहाबा हुज़ूर के साथ थे। मेरे आका ने जब आयत करीमा तिलावत फरमाई कि फरमाया वो लोग अल्लज़ीन यकनिज़ून अज़्ज़हबा वल फिद्दता व युन्फिकूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बशिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। अल्लाह पाक फरमाता है वो लोग जो सोने और चांदी को ज़खीरा करके और ख़जाना करके और काउंट करके गिन गिन के रखते हैं लेकिन खुदा की राह में खर्च नहीं करते। अरे प्यारे हबीब उनको दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दो। सहाबा ने कहा ये
ये तो बड़े नादान लोग हैं, ये बड़े बेवकूफ लोग हैं जो सोने और चांदी को जखीरा बनाते हैं। अगर हमें पता चल जाए कि खुदा के यहाँ कौन सा माल प्यारा है, हम उसका जखीरा बनाएंगे। तब मेरे आका ने फरमाया था, मेरे गुलामों सुनो, वफादारों सुनो, अल्लाह की बारगाह में शुक्र करने वाले दिल, जिक्र करने वाली जबान और पाक बीवी से पढ़ करके पसंदीदा कोई चीज नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसनतन वकिना अज़ाबन्नार की तफसीर में मौलाए कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं कि दुनिया की हसना से मुराद पाक बीवी है। और मेरे आका ने फरमाया, हाँ सबसे अच्छी है वो औरत जब उसका आदमी उसको देखता है तो अपने सारे गम भूल जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान। इसलिए औरत में अगर देखा जाए हवा और एक दूसरे से कंपटीशन करने के नाम पर हमने शादी को मुश्किल बना दिया है। इसलिए खुदा रा खुदा।